नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ छू आपनो दोस्त आपनो फेवरेट टीचर विपुल पटेल। सत्यम एकेडमी में आप सबनु हार्दिक स्वागत करूँ छू। आज विद्यार्थी मित्रों आपणे शीखवा जई रह्या छे स्टैंडर्ड 10 साइंस चैप्टर 4 कार्बन अने तेना संयोजनों पार्ट 2, जेनी अंदर विद्यार्थी मित्रों आपणे शीखीशुं क्वेश्चन्स नंबर 9 थी लईने क्वेश्चन्स नंबर 25 सुधी। तो आज विद्यार्थी मित्रों विडियो थोड़ो लांबो थई जशे तो एने स्कीप करीने ना जोता, एने 2 भाग 3 भागमां विभाजित करी देजो अने थोड़ो करीने जोजो, बराबर। चलो स्टार्ट करीए विद्यार्थी मित्रों। आपणो टॉपिक छे आजनो कार्बननो सर्वतोमुखी स्वभाव। आमांथी विद्यार्थी मित्रों 9 थी लईने 25 सुधी क्वेश्चन्स बनेला छे। कार्बनना कया बे गुणधर्मो વધુ સંખ્યામાં કાર્બન સંયોજનો બનાવવાની ક્ષમતા ધરાવે છે, સમજાવો। तो कार्बन परमाणु ने अन्य परमाणु साथे इलेक्ट्रॉननी भागीदारी द्वारा सहसंयोजक બંધનું નિર્માણ કરી अनेक સંયોજનો બનાવે છે, જે સંખ્યામાં લાખોમાં હોય છે। मात्र एक कार्बन एवं संयोजन है विद्यार्थी मित्रों जे आ करी सके छे, बराबर। कार्बन अने वधु संख्या में संयोजनों बनावानी क्षमता धरावे छे, नीचेना परिबळों पर आधार राखे छे। तो एना विविध परिबळों पैकी विद्यार्थी मित्रों एक छे कार्बननो केटेनेशन गुण। तो चलो विगतवार चर्चा कर लीए। कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु साथे बंध बनावानी अद्वितीय क्षमता धरावतो होवाथी खूब ज वधु संख्या में अणुओं बने छे। कार्बनना आ गुणधर्म ने केटेनेशन कहे छे। तमने अहींया 1 मार्क्सनो प्रश्न पण पूछाई शके छे, आ मोढे कर देजो, बराबर। चलो, आ संयोजनों कार्बननी लांबी श्रृंखला, कार्बननी शाखित श्रृंखला अथवा वलयोमां गूंथवायेला कार्बन परमाणुओ धरावे छे। अहींया विद्यार्थी मित्रों तमे अलग अलग प्रकारनी डिजाइन जे दोरो छो, आ छे एनी लांबी श्रृंखला, जो आपणे नीचे लखेलुं ज छे। आ छे एनी शाखित श्रृंखला, आ 3 कार्बननुं वलय छे, आ 4 कार्बननुं वलय छे, अहीं 5 कोणनुं छे अने अहींया 6 कोणनुं छे, बराबर। तो आ बधा अलग अलग प्रकारना कार्बनो छे विद्यार्थी मित्रों, जे अलग अलग प्रकारना वलयो बनावी अने एना संयोजनो बनावे छे। आ बधा एना विशेष गुणधर्मो छे, एने आपणे केटेनेशन ज कहीए छे। कार्बन परमाणु एकल बंध अथवा द्विबंध अथवा त्रिबंध पण अन्य परमाणु साथे जोड़ाई शके छे। ते सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ने ट्रिपल बॉन्ड बनावे छे। जे कार्बनिक संयोजनोमां कार्बन परमाणुओ मात्र एकल बंधथी जोड़ायेला होय तेवा कार्बनिक संयोजनोने संतृप्त संयोजनो कहेवामां आवे छे, जे सिंगल बॉन्ड थी जोड़ायेला हो। अहींया तमे जोवो छो ए बधा सिंगल बॉन्ड थी जोड़ायेला छे विद्यार्थी मित्रों, एटले आ बधा संतृप्त हाइड्रोकार्बन छे। जो जेटला कार्बन परमाणु होय एना उपर एना नाम आवे, बराबर, जेने आपणे आल्केन कहेता आवीए छे। आगळ जता तमारे अभ्यास करवानो आवशे, जेनी अंदर आवशे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेन्टेन, हेक्सेन, हेप्टेन। आ रीते विद्यार्थी मित्रों तमारा आगळ वधता जशे। आ बधा सिंगल बॉन्ड थी छे अने बधा संतृप्त संयोजनो छे। चलो आगळ जोईए। हवे आपणे जे कार्बनिक संयोजनोमां 2 के तेथी વધુ कार्बन परमाणुओ द्विबंध के त्रिबंधथी जोड़ायेला होय तेवा कार्बनिक संयोजनोने असंतृप्त संयोजनो कहेवामां आवे छे। असंतृप्त एटले शुं विद्यार्थी मित्रों के एमने पूरेपूरा जोताता एटला मळ्या ना होय, बराबर। एटले डबल बॉन्ड ने ट्रिपल बॉन्ड साथे जोड़ाई गेला होय। कार्बनिक संयोजनोमां जे हदे केटेनेशननो गुणधर्म जोवा मळे छे ते कोई बीजा तत्वोमां जोवा मळतो नथी। जेम के सिलिकॉन हाइड्रोजन साथे जे संयोजनों बनावे छे तेमां 7 अथवा 8 परमाणुओं सुधीनी श्रृंखला होय छे, परंतु आ संयोजनों अति क्रियाशील होय छे। तो कार्बननी अंदर विद्यार्थी मित्रों जे गुणधर्म जोवा मळे छे बीजा कोईनी अंदर जोवा मळतो नथी। तमे जे बी कई पेट्रोल, डीजल, केरोसीन, बराबर, जेटला बी बळतणो मोस्ट ऑफली यूज करीए छे आपणे ए बधा ज कार्बनिक संयोजनों छे। कार्बन कार्बन बंध वच्चे खूब ज प्रबळ होवाना कारणे कार्बनना परमाणुओ एकबीजा साथे जोड़ावाथी मोटी संख्यामां स्थायी संयोजनो बनावे छे। तो एकबीजा साथे लोको मोटी संख्यामां जोड़ाय छे अने स्थायी एटले शुं? आ उपरनो जे छे अस्थायी कहेवाय। अति क्रियाशील होय अस्थायी, गमे त्यारे गमे ते जोड़े लफड़ाबाज व्यक्ति, बराबर। आम कोकने जोया नहीं के लफड़ा चालू कर्या नहीं, ए कहेवाय स्थायी ना कहेवाय ने अस्थायी कहेवाय, बराबर। अति क्रियाशील कहेवाय, झड़पथी संयोजाई जाय, चंचल मनवाळो। જ્યારે કાર્બન વાળો હોય, કાર્બનના સંયોજનો છે સ્થાયી છે, સ્ટેબલ છે, ગુડ જેને આપણે કહીએ છીએ, બરાબર, ક્રિકેટની ભાષામાં કહીએ તો સ્ટેબલ ખેલાડી, એમ એના ઉપર આપણે વિશ્વાસ કરી શકીએ એવા ખેલાડી। ચલો બીજો મુદ્દો છે કાર્બનની સંયોજકતા। તો કાર્બનની સંયોજકતા 4 છે, તેથી તે કાર્બનના અન્ય 4 પરમાણુઓ અથવા તો કેટલાક અન્ય એક સંયોજક તત્વોના પરમાણુઓ સાથે બંધ બનાવવાની ક્ષમતા ધરાવે છે। कार्बने ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन अने तथा अनेक अन्य तत्वों साथे विशिष्ट गुणधर्मों वाला संयोजनों बनावे छे। आ विशिष्ट गुणधर्मों संयोजनों में हाजर रहेला कार्बन सिवायना तत्व पर पण आधार राखे छे। कार्बन परमाणु मोटा भागना अन्य तत्वों साथे खूब ज प्रबल बंध बनावे छे, जे संयोजनोने अपवाद रूपे स्थायी बनावे छे। कार्बननुं कद नानुं होवाथी परमाणु केंद्र द्वारा भागीदारी पामेला इलेक्ट्रॉन युग्मोने मजबूताईथी जकड़ी राखे छे। तो आ कार्बन छे विद्यार्थी मित्रों बीजा चार परमाणुओं साथे जोड़ायेलो छे, एनी साथे प्रबल बंधोनुं निर्माण करे छे। बराबर, मोटा परमाणुओ धरावता तत्वों द्वारा बनता बंध अत्यंत निर्बल होय छे। જ્યારે મોટા પરમાણુઓ ધરાવતા તત્વો સાથે બંધ બનાવે તો એ અત્યંત નિર્બળ હોય છે। આ બધા તમને શોર્ટ ક્વેશ્ચન્સમાં પૂછાઈ શકે। બરાબર, ચલો હવે આપણે જોઈએ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન્સ। ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ આપણે પ્રશ્ન નંબર 10। કોઈ પણ હાઇડ્રોજન સંયોજનનું બંધારણીય સૂત્ર કેવી રીતે નક્કી કરવામાં આવે છે, ઉદાહરણ આપી સમજાવો। તો સરળ કાર્બન સંયોજનોનું બંધારણ બે તબક્કામાં નક્કી કરવામાં આવે છે। તબક્કો નંબર 1, प्रथम तबक्का में कार्बन परमाणुओं एक बीजा साथे एकल बंधथी जोड़ायेला होय छे अथवा जोड़ावामां आवे छे, सी बॉन्ड सी। बराबर, आम आ तबक्का में कार्बन की एक संयोजकता कार्बन परमाणु वडे संतोषाय छे। तो कार्बन कार्बन साथे संयोजन थयुं। तबक्को नंबर 2 जोईए तो बीजा तबक्का में कार्बन की बाकी रहेली संयोजकताओ हाइड्रोजन परमाणु द्वारा संतोषवामां आवे छे, एटले हाइड्रोजन साथे संयोजाय छे। दरेक कार्बन परमाणुनी त्रण संयोजकता संतोषाया वगरनी बाकी रहे छे, तेथी ते दरेक त्रण हाइड्रोजन परमाणु साथे बंध बनावीने नीचे प्रमाणे संरचना धरावे छे। जो अहींया कार्बन साथे कार्बन जोड़ाई गयो, बराबर। हवे आ कार्बन अहींया तो सिंगल बॉन्ड बनावी दीधो, बाकी बच्या त्रण, कारण के कार्बन चार जना जोड़े संयोजाय। तो जो आ एक, आ बे अने आ त्रण हाइड्रोजन साथे संयोजाशे। ए ज रीते आ कार्बन एक बे अने त्रण हाइड्रोजन साथे, तो एनी चौथी संयोजकता क्या गई, तो आ रही वच्चे रही है। बराबर, कार्बन कार्बन साथे नी। आम दरेक कार्बन परमाणु त्रण हाइड्रोजन परमाणुओं साथे जोड़ायेलो होय छे। तो त्रण हाइड्रोजन अने एक कार्बन एम टोटल एनी संयोजकता चार ज रहे विद्यार्थी मित्रों, याद राखवानी। बराबर, ओछी ना थाय। तो अहींया आपणो प्रश्न नंबर 10 पूरो थयो। चलो हवे आपणे जोईए प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 छे विद्यार्थी मित्रों, इथेननुं इलेक्ट्रॉन बिंदु निरूपण जणावो। इलेक्ट्रॉन बिंदु एटले शुं, तो ज्यां विद्यार्थी मित्रों एक बंध हतो त्यां बे इलेक्ट्रॉन मूकी देवाना। कार्बननी इलेक्ट्रॉन रचना नीचे मुजब छे। तो कार्बननो नंबर छे 6 विद्यार्थी मित्रों, एटले तमे जाणो छो पहली कक्षामां 2 भराय, बीजी कक्षामां 4 भराय। बराबर, तो 2 अने 4 आया। इथेननुं इलेक्ट्रॉन बिंदु निरूपण नीचे मुजब थशे। हवे इथेन एटले C2H6 थाय, बीजा नंबरनो थाय। बराबर, जो अहींया ध्यान राखजो, हुं तमने एक सूत्र लखाऊ CnH2n प्लस 2, एटले आनी अंदर तमारे एक नंबर मूको एटले मिथेन मळे, बे नंबर में इथेन मळशे, त्रण नंबर में प्रोपेन मळे, चार नंबर में ब्यूटेन मळे। बराबर, तो आ तमे याद राखजो। एक नंबर आवशे मिथेन, बीजो आवशे इथेन, आ छे प्रोपेन त्रण नंबर में, पछी आवशे ब्यूटेन चार नंबर, पेंटेन पांच नंबर, हेक्सेन छ नंबर, पछी हेप्टेन आवशे, ऑक्टेन आवशे, नेनोन ने डेकोन। बराबर, तो ए रीते 10 नंबरों आवशे। अत्यार हाल आपणे अहींया हाल शोर्ट टाइम पूरता आटला शीखीए छीए, आगळ आवशे तो हूँ तमने समजाईश। हवे इथेन एटले 2 नंबरनो थयो, आ 1 नंबर छे। बराबर, आ 3, आ 4, आ 5 अने आ 6, तो 2 नंबर छे एटले अहींया n ની જગ્યાએ તમે 2 મૂકી દો, તો શું થયું બોલો, C2H 2 દુ 4 + 2 એટલે 6। તો આમ આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો મેં C2H6 લખ્યા હતા। બરાબર, મને યાદ હતું એટલે મેં તમને સમજાવી દીધું કે તમે આ રીતે યાદ રાખજો, આ ફોર્મ્યુલા યાદ રાખજો। આ સંતૃપ્ત કાર્બન છે, બધા સિંગલ બોન્ડ વાળા છે। બરાબર, આને આલ્કેન કહેવામાં આવે છે, આલ્કેન। એટલે બધાની પાછળ n લાગે, જો મિથેન, ઇથેન, પ્રોપેન, બ્યુટેન आगळ जता आपणे भणवानुं आवशे। बराबर, अथवा कट थई गयुं होय क्यांक, तो मैं तमने अहींया समजावी दीधा। हवे इथेननो छे 2 कार्बन अने 6 हाइड्रोजन, तो आने 2 कार्बन आ रीते पहेला जोइन करी देवाना, बाकी 6 हाइड्रोजन जो आ रीते आई जाए, थई गया। हवे आ जेटला बॉन्ड देखाय तमने त्यां तमारे 2-2 इलेक्ट्रॉन मूकी देवाना, आम आडा आ रीते। बरोबर, अहींया कार्बन कार्बन वच्चे आ रीते ऊभा इलेक्ट्रॉन मूकी देवाना, बाकी बधे आम आ रीते। साइड में आए तो ऊभा करवाना इलेक्ट्रॉन ने, ऊपर नीचे आए तो आड़ा राखवाना 2 टपका। तो आ रीते तमारा जो आ इलेक्ट्रॉन नी रचना थी गई। आ कार्बन एम समझे कि मारी पासे 8 इलेक्ट्रॉन है, आ कार्बन एवं थाय मारी पासे 8 इलेक्ट्रॉन है और आ हाइड्रोजन एम थाय मारी पासे 2 इलेक्ट्रॉन है एटले आ बधा ज पोतानी संतुष्टि मेळवी ले छे, निष्क्रिय तत्व जेवी रचना प्राप्त करी ले छे। बराबर जे आपणे अगाउ शीख्या था। तो जो आ रीते विद्यार्थी मित्रों आपड़ा बनशे इलेक्ट्रॉन बिंदु। हवे जो विद्यार्थी मित्रों ज्यां ज्यां बे बे इलेक्ट्रॉन हता त्यां एक एक बंध बनी गयो एटले आ रीतनी रचना आई जे मैं तमने अहींया समजावी हती। आ रीतनी रचना आई एटले आने शुं कहेवाय? तो आने जो H3 थया अने कार्बन 1 थयो एटले लखाय H3C। पछी अहींया सिंगल बॉन्ड जे आ छे ते अने आ लखाय CH3। बराबर आ बे C ने वच्चे राखवाना। अथवा तो आने C2H6 लखवामां आवे छे। तो आ बधा ज इथेनना स्वरूपो छे, ध्यान राखजो। तमने आ पूछे कि आ शुं छे तो बी इथेन, आ पूछे तो पण शुं छे इथेन, आ पण इथेन अने आ पण इथेन छे। बराबर आ बधा ज इथेनना स्वरूपो छे। चलो हवे आपणे जोईए प्रश्न नंबर 12। आई होप के तमने बहुत सारो ख्याल आई गयो हशे विद्यार्थी मित्रों आ क्वेश्चन्स। चलो विद्यार्थी मित्रों शरू करीए आपणे प्रश्न नंबर 12। इथीननुं બંધારણીય सूत्र जणावो। हवे इथीन एटले शुं विद्यार्थी मित्रों? तो इथेनमांथी इथीन एटले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनेलो होय, एटले कार्बन कार्बन वच्चे डबल बॉन्ड होय। तो हवे जो बे बंध तो आई गया, बाकी बच्या बे बंध, एटले टोटल केटला थई गया? बे हाइड्रोजन अहींया अने बे हाइड्रोजन अहींया, एटले H2C डबल बॉन्ड CH2 बनावे। बराबर अने इलेक्ट्रॉन रचना तो तमने ख्याल थई गयो हशे के एक बंध होय त्यां आपणे बे बे इलेक्ट्रॉन बताववाना। तो जो तबक्को नंबर 1 छे कार्बन कार्बन वच्चे बंध बनशे, तबक्को नंबर 2 छे के कार्बन वच्चे आ रीते बे बे हाइड्रोजन जोड़ाशे ने अहींया डबल बॉन्ड लागशे। बराबर तबक्को नंबर 3 जे कार्बननी 4 संयोजकता पूर्ण करवा माटे अहीं कार्बन कार्बन वच्चे द्विबंध मूकवो जरूरी छे। आथी બંધારણીય सूत्र C डबल बॉन्ड C H H H H। जो आ H ત્રાસા बतावाना, कारण के आम तमे एक साइड बतावो ने विद्यार्थी मित्रों तो ए अमुक रूल्स लागता होय छे के खेंचाई जाए, एक बाजू जता रहे, एटले आ रीते ત્રાસા दर्शावता होय छे जनरली, एटले बधी बाजुथी एनुं आकर्षण बळ सरखुं रहे। तो अहींया तमारुं आ બંધારણીય सूत्र थई गयुं। आ छे तमारो इथीननुं બંધારણીય सूत्र। बराबर तो क्वेश्चन्स बहु ईजी होय छे, बस थोडुंक ध्यान राखवानुं होय छे। आनुं पण सूत्र आवे छे विद्यार्थी मित्रों जेमां इन प्रत्यय लागे ने, इन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, मिथीन ना होय, ध्यान राखजो। कारण के मिथीनमां कार्बन एक ज छे। कार्बन कार्बन वच्चे डबल बॉन्ड क्यारे थाय? ज्यारे बे कार्बननी संख्या होय। हवे मिथेनमां CH4 एटले कार्बन एक ज छे, तो मिथीन क्यारे बने नहीं, तो स्टार्ट इथीन थी थशे। बराबर एमां इन प्रत्यय पाछळ लागतो होय तो एनुं सूत्र थाय CnH2n प्लस 2 ना आवे, अने त्यारबाद आवशे इथाइन, एमां आइन प्रत्यय लागशे। बराबर एमां ट्रिपल बॉन्ड बनावशे कार्बन कार्बन वच्चे अने एनुं सूत्र बनशे CnH2n -2। बराबर -2 आ रीतनुं सूत्र बनशे। એટલે જેટલા કાર્બન હોય એટલા જ અહીંયા એના કરતાં ડબલ હાઇડ્રોજન આવશે। જેમ કે અહીંયા 2 કાર્બન હતા તો 2 દુ 4 હાઇડ્રોજન આયા, જ્યારે અહીંયા શું થશે તો જેટલા કાર્બન હોય એના ડબલ હાઇડ્રોજન કરતાં 2 ઓછા આવશે। તો એ બની જશે આઇન પ્રત્યય, એટલે ઇથાઇન, મિથાઇન, પ્રોપાઇન, બ્યુટાઇન એમાં એવું લાગશે। જ્યારે વચ્ચે વાળો છે એમાં લાગશે ઇથીન, પ્રોપીન, બ્યુટીન, પેન્ટીન, હેક્ઝીન, હેપ્ટીન। બરાબર આ રીતે ઇન પ્રત્યય લાગશે આની અંદર। आई होप के तमने थोड़ो थोड़ो ख्याल आवतो हशे। बराबर चलो हवे आपणे आगळ जोईए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो विद्यार्थी मित्रों शरू करीए आपणे प्रश्न नंबर 13। इथीननी इलेक्ट्रॉन बिंदु रचना समजावो। हवे इथीन एटले आल्कीनमांथी आवे विद्यार्थी मित्रों। बराबर आल्कीन एमां आपणे इन प्रत्यय लगाडीए छे, जेनुं सूत्र छे विद्यार्थी मित्रों CnH2n। बराबर हवे इथेनमांथी इथीन बने तो इथेननो नंबर कयो हतो 2, तो अहींया तमे 2 मूकी दो तो C2, चलो अहींया 2 n ना 2 गणा करो तो 2 दू 4 એટલે કે કાર્બન ની સંખ્યા 2 અને હાઇડ્રોજન ની સંખ્યા 4। તો અહીંયા આપણે કાર્બન કાર્બન વચ્ચે અત્યારે હાલ સિંગલ બોન્ડ લખું છું, જો પછી હું અહીંયા હાઇડ્રોજન 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 બતાવી દીધા H H H H। હાઇડ્રોજન ની સંખ્યા 4 છે, 4 થી વધારે તમે ના લઈ શકો। હવે કાર્બન વચ્ચે તમે બંધ જુઓ તો આ 1 2 ને 3 થયા, તો એક બંધ ખૂટ્યો એટલે અહીંયા દ્વિબંધ હોય। बराबर तो याद रखवानुं ज्यारे बी इन आवे एटले आल्कीन आवे, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेन्टीन ए बधा मां ज वच्चे कार्बन कार्बन वच्चे डबल बॉन्ड होय अने बाकी बच्या ए बधा हाइड्रोजन होय। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों इथीन बने। हवे आनुं बनशुं बनाववुं बहु ईजी छे। ज्यां तमने आ एक बंध देखाय त्यां तमारे बे इलेक्ट्रॉन मूकी देवाना। आ रीते अहींया एक बंध छे तो अहींया बे इलेक्ट्रॉन मूकी दो, अहींया बे बंध छे तो अहींया चार इलेक्ट्रॉन आवशे, अहींया एक बंध छे तो अहींया बे इलेक्ट्रॉन मूकी दईशुं, अहींया एक छे तो अहींया बे इलेक्ट्रॉन मूकी दईशुं। बराबर, हवे आ कार्बन अने अहींया हाइड्रोजन लागी जशे, अहींया हाइड्रोजन लागी गया। बराबर, हवे तमे जोई शको छो विद्यार्थी मित्रों इजीली के अहींयाथी आ जे भाग छे एने एम लगशे के मारी पासे 8 इलेक्ट्रॉन छे आ कार्बन ने, ज्यारे अहींया आ कार्बन ने एम लगशे के मारी पासे पण 8 इलेक्ट्रॉन छे। बराबर, अहींया एने एम लगशे के मारी पासे, एज रीते हाइड्रोजन ने एम थाय मारी पासे 2 इलेक्ट्रॉन छे, आ हाइड्रोजन ने थाय मारी पासे 2 छे, आने थाय मारी पासे 2 छे, एटले आ बधा केवा थी जाए निष्क्रिय तत्वों जेवी रचना प्राप्त करी ले। जो अहींया तमे जोई शको छो। बराबर, पण मैं तमने अहींया ड्रॉ करीने बताई दीधो जेथी करीने तमने ख्याल आवे के एक्जाम में आपणे केवी रीते ड्रॉ करीशुं। तो आई होप के तमने प्रश्न नंबर 13 बहुत सारी रीते ख्याल आई गयो हशे। चलो हवे जोईए आपणे प्रश्न नंबर 14। चलो हवे आव्यो विद्यार्थी मित्रों इथाइन, एटले आपणे जे आइन प्रत्यय समजाव्यो तो एनुं सूत्र आवे CnH2n-2। हवे आपणे इथीन में खबर छे आपणे इथेन में कार्बन की संख्या 2 छे, तो अहींया तमे 2 मूकी दो तो C2 बे दू चार, चार मांथी बे गया तो बे, एटले कार्बन बे होय ने हाइड्रोजन पण बे होय। तो अहींया हूँ बे कार्बन लखी नाखू, बे हाइड्रोजन एनी साथे सिंगल बॉन्ड थी जॉइन कर दूँ, कारण के कार्बन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्यारेय आवे नहीं, याद रखजो हाइड्रोजन साथे। बराबर, हाइड्रोजन अने कार्बन वच्चे सींगल बॉन्ड ज होय, त्यां डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ना आवे। ऑक्सिजन होय तो डबल बॉन्ड आवे, नाइट्रोजन होय तो ट्रिपल बॉन्ड आई शके। बराबर, कारण के एनी संयोजकता 2 अने 3 ए रीते होय छे, पण हाइड्रोजन साथे ओनली सिंगल बॉन्ड। चलो अहींया सिंगल बॉन्ड लागी गयो। हवे कार्बन ने तो 4 जणा साथे संयोजाय एटले संयोजाय, तो बाकी 3 खूट्या ए अहींया लागी जाय एना, तो जो थई गयो। तो आने कहेवाय ट्रिपल बॉन्ड नी रचना थई अने आने कहेवाय इथाइन। बराबर, आमांथी तमने बनशु के एटले बंधारणीय सूत्र के ईसु के इलेक्ट्रॉनिक सूत्र के बन्ने तमे इजीली लखी शको छो। तो चलो लखी नाखीए। अहींया 3 बॉन्ड छे एटले 6 इलेक्ट्रॉन बताई देवाना, अहींया सिंगल बॉन्ड छे एटले 2-2 इलेक्ट्रॉन बताई देवाना। तो जो अहींया 2-2 थई गया, अहींया 6 थई गया, अहींया 2 थई गया। चलो आ पोतानी एम समझशे के मारी जोड़े 8 छे, आने बी एम लागे के मारी साथे 8 छे, आ 2 हाइड्रोजन थई गया। हवे आपणे आमांथी बंधारणीय सूत्र केवी रीते लखवानुं, तो जो आ 2 इलेक्ट्रॉन होय एटले 1 बॉन्ड बताववानो, 6 इलेक्ट्रॉन होय एटले 3 बताववाना। एक्चुअली तो आपणे आवुं पहेला लखी नाखवानुं साइडमां रफ काममां, एना उपरथी आ बनाववानुं, कारण के आने याद राखवू थोड़ुंक मुश्किल है, आने याद राखवू ईजी है आ रही है। बराबर, आ सूत्रों उपर थी। तो आमा आइन प्रत्यय लागे, याद रखो आइन। बराबर, आ पण असंतृप्त कार्बन है, आने आल्केन आल्किन अने आल्काइन, एटले आ जे आपणे 3જા नंबरनो छे आने आपणे आल्काइन कहीए छे। आल्काइन वच्चे वाळुं जे इथीन हतुं एने आल्किन कहेवाय। बराबर, आ आल्काइन अने जे फर्स्ट नंबर वाळुं आपणे शीख्या एने एक सिंगल बॉन्ड वाळुं एने कहेवाय आल्केन। बराबर, आ 3 सूत्रों याद रखवाना तमारे। आईरियो सूत्र छे जे उपरनुं, आ सूत्रों उपरथी तमे कोईपण वस्तु बनावी शको छो, एना उपरथी आ कोईपणनुं बंधारणीय सूत्र के इलेक्ट्रॉन सूत्र पूछे तमे इजीली लखी शको छो। तो आई होप के तमने प्रश्न नंबर 14 पण बहुत सारी रीते ख्याल आई गयो हशे। चलो हवे जोईए आपणे प्रश्न नंबर 15। चलो विद्यार्थी मित्रों शरू करीए आपणे प्रश्न नंबर 15। संतृप्त अने असंतृप्त कार्बन संयोजनों एटले शुं? तो संतृप्त कार्बन संयोजनों अने असंतृप्त कार्बन संयोजनों एमां थोड़ुं घणुं तो आपणे उपर शीखीने ज आया। संतृप्त एटले जेनी वच्चे सिंगल बॉन्ड होय विद्यार्थी मित्रों, ए संतृप्त हता, अने जे कार्बन कार्बन वच्चे डबल बॉन्ड अने ट्रिपल बॉन्ड होय एटले के द्विबंध अने त्रिबंध होय ए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हता। तो जे कार्बन संयोजनों में कार्बन परमाणु मात्र एकल बंधथी जोड़ायेला होय तेवा संयोजनोने संतृप्त कार्बनिक संयोजनों कहे छे। तो जे कार्बनिक संयोजनों में 2 के तेथी वधु कार्बन परमाणु द्विबंध के त्रिबंधथी जोड़ायेला होय तेमने असंतृप्त कार्बन संयोजनों कहे छे। असंतृप्त कार्बन संयोजनों संतृप्त संयोजनों करता वधु क्रियाशील होय छे। केम वधु क्रियाशील होय विद्यार्थी मित्रों? कारण के संतृप्त थया नथी, माटे संतृप्त थवा माटे कोशिश करशे अने ज्यारे संतृप्त थई जशे पछी ए स्थायी बनशे। बराबर, एटले के एमनो डबल बॉन्ड ने ट्रिपल बॉन्ड तूटी जाय ने ए बधा पण सिंगल बॉन्ड थी ज्यारे जोड़ाई जाय त्यारे ए लोको स्थायी बने। तो आई होप के तमने प्रश्न नंबर 15 पण सारी रीते ख्याल आई गयो हशे। चलो हवे जोईए आपणे प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 छे विद्यार्थी मित्रों, कार्बनना प्रथम 6 संतृप्त संयोजनोना नाम, सूत्रों अने बंधारणीय सूत्र जणावो। आ विद्यार्थी मित्रों मैं तमने ऑलरेडी शीखवाडी दीधुं। बराबर, नंबर 1 मां कोण हतो? मिथेन। એનું અણુસૂત્ર મેં તમને શીખવાડ્યું એ તમારે યાદ રાખવા માટેનું અહીંયા આપેલું નથી। શું યાદ રાખવાનું તમારે? CnH2n+2। અહીંયા તમે 1 મૂકશો તો જો અહીંયા 1 મૂકો એટલે શું થાય તો C1H 2 * 2 + 2 એટલે કે 4। તો જો CH4 મળી ગયો। ચલો અહીંયા ઇથેન કેવી રીતે મળશે આપણને તો અહીંયા 2 મૂકો तो n ની જગ્યાએ 2 મૂકો અહીંયા તો અહીં 2 × 2 = 4 એટલે 6 થઈ ગયા। तो जो इथेन मળી ગયો। तो તમારે ફક્ત આ સૂત્ર યાદ રાખવાનું છે। તમારે 6 ઈઝીલી તમે લખી શકો છો। બસ ખાલી નંબર લખતા જાઓ અહીંયા n ની જગ્યાએ 1 2 3 4 5 6 અને એ 6 ના લાઇનસર નામ યાદ રાખો। તો શું નામ યાદ રાખવાનું છે? તો પહેલાનું નામ છે મિથેન, બીજાનું છે ઇથેન, ત્રીજાનું પ્રોપેન, ચોથાનું બ્યુટેન। આ થઈ ગઈ એમની રચના બરાબર। CH4 ની રચના આપણે કેવી રીતે બનાવવાની તો વચ્ચે કાર્બન લખવાનો, આજુબાજુ 4 હાઇડ્રોજન। અહીંયા C2 છે એટલે પહેલા 2 કાર્બન લખી દેવાના આ રીતે, બાકી બચ્યા 3 બાજુ આ રીતે લીટા માર દો અને અહીંયા લખી નાખો હાઇડ્રોજન। ચલો ત્યારબાદ આપણે જોઈએ પ્રોપેન। તો પ્રોપેનમાં C3H8 એટલે 3 કાર્બન આ રીતે લાઇનસર લખી દેવાના, પછી ડેશ 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 કરીને ત્યાં હાઇડ્રોજન મૂકી દેવાના। ब्यूटेन એટલે 4 નંબર, પેન્ટેન એટલે 5 નંબર ને હેક્સેન એટલે 6 નંબર। ચલો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ઈઝીલી પેન્ટેન 5 કાર્બન બતાવવાના અને બાકી બધા ડેશ કરી અને હાઇડ્રોજન બતાવી દેવાના। હેક્સેન માં 6 કાર્બન આવશે તો વચ્ચે વચ્ચે 6 કાર્બન બતાવી દેવાના। તો તમારે માત્ર એક સૂત્ર યાદ રાખવાનું છે, કયું? CnH2n+2 બરાબર। ચલો હવે આગળ જોઈએ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન। प्रश्न नंबर 17 है विद्यार्थी मित्रों, हाइड्रोकार्बन संयोजनों एटले शुं तेनुं वर्गीकरण समझाओ। तो जे कार्बनिक संयोजनों में मात्र कार्बन और हाइड्रोजन धरावे छे तेमने हाइड्रोकार्बन संयोजनों कहेवामां आवे छे। हाइड्रोकार्बन संयोजनोनुं वर्गीकरण नीचे मुजब छे। तो हाइड्रोकार्बन संयोजनों एटले आनी अंदर मात्र हाइड्रोजन और कार्बन ज होय, जेनी अंदर 2 प्रकारना संयोजनों विद्यार्थी मित्रों आवशे। तमने ख्याल छे, एक छे संतृप्त अने बीजो छे असंतृप्त। संतृप्त एटले एकल बंधथी जोड़ायेला होय, जेने आपणे आल्केन कहीए छे बराबर। जे मैं तमने अत्यारथी उपर सुधी समजावतो समजावतो आव्यो, हवे सूत्रो अहींया आई गया। क्यांक कट थई गया होय तो विद्यार्थी मित्रों रही जाय, एटले मैं उपरथी तमने समजाववाना चालू कर्या हता। तो आल्केननुं सूत्र छे CnH2n+2, जेनी अंदर उपरनो प्रश्न आखे आखो आई जशे। अहींया 1 2 3 4 5 6 मूकशो एटले आल्किन एटले CnH2n थशे खाली। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेन्टीन एज है एमां इन इन लगाई देवानो बराबर। अने आल्काइन एमां इथाइन थी स्टार्ट थाय, याद रखजो। आ बंने इथाइन थी, इथीन अने इथाइन थी स्टार्ट थाय। मिथीन के मिथाइन आवे नहीं, ध्यान रखजो। आनु सूत्र छे CnH2n-2। आने कहेवाय आल्काइन। आमां आइन प्रत्यय लागशे बराबर, ए पण हुं तमने लखाई दऊं। आमां एन प्रत्यय लागशे, आमां इन लागशे अने आमां आइन लागशे, जे नीचे ऑलरेडी आवतुं ज हशे पण तो पण अहींया लखी दीधेलुं सारुं, तमने याद रहे। चलो हवे आपणे जोईए छे आल्केन संयोजनों थोड़ा डीपमां। आल्केन संयोजनों बराबर, तो जे हाइड्रोकार्बन संयोजनों में कार्बन कार्बन परमाणु वच्चे मात्र एक बंध होय। आल्किन संयोजनों तो द्विबंध होय अने आल्काइन संयोजनों त्रिबंध होय। आल्केनना नाम आवशे आ रीते ब्यूटेन, पेन्टेन, हेक्सेन बराबर। एन प्रत्यय लागे पाछळ, शुं लागशे? एन। आमा लागशे इन अने आमा लागशे आइन बराबर। चलो अहींया जोई लो आल्किन तो द्विबंध होय, एमां ब्यूटीन, पेन्टीन, हेक्सिन आवशे। अने त्यारबाद छे आल्काइन संयोजनों एटले त्रिबंधथी जोडायेला होय, ब्यूटाइन, पेन्टाइन, हेक्साइन एटले आइन प्रत्यय लागी जाय। तो आई होप के तमने आ प्रश्न पण बहुत सारी रीते ख्याल आई गयो हशे। जो एक पायो तमे खाली शीखी लो विद्यार्थी मित्रों एटले धड़ाधड़ आपणे बधुं आवड़ी जाए बराबर। तो मेन वस्तु छे पायो शीखो बराबर, एटले बेज। जो आमां केवुं ईजी छे, एन, इन अने आइन लगाई दो एटले आवड़ी जाए। अहींया के तमने जो के बुक्सनी अंदर बताव्युं नथी, कारण के आपणी मेन बुक्समां ज ना होय एटले अहींया ना बताव्युं होय बराबर। पण टीचर छे ने, डोंट वरी, समजाववावाळा बराबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए आपणे। प्रश्न नंबर 18 है विद्यार्थी मित्रों, हाइड्रोकार्बन संयोजनों बंधारण आधार वर्गीकरण समझाओ। तो हाइड्रोकार्बन संयोजनों में बंधारण एटले क्या? तो सरल श्रृंखलावाला जे सीधे सीधा होय, शाखीय श्रृंखलावाला एटले जे बहार निकलता होय, आपणे उपर ऑलरेडी खबर होय तो तमने पेली 5-6 आकृतिओ हती, अने वलय एटले चक्रीय बराबर। તો આ ત્રણ પ્રકારના હાઇડ્રોકાર્બન સંયોજનો આવશે। સૌપ્રથમ આપણે શીખીએ સરળ શૃંખલાવાળા। सरल श्रृंखलावाड़ा संयोजनों एटले विद्यार्थी मित्रों आ रीते होय, जेने आपणे आल्केन कहेता था, बराबर। तो प्रोपेन अने पेन्टेन ना बे उदाहरण आपेला छे। प्रोपेन एटले 3 नंबरनो कार्बन 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 3 लगाई दो, एनु सूत्र भी तमे आ इजीली बनावी शको छो। 3 नंबर एटले CnH2n+2 मात्रामां मूको तो 3 कार्बन ने 3 ना डबल करता 2 वधु एटले 8 थई जशे हाइड्रोजन। तो आ रीते तमारा बनी जाय। पेन्टेन एटले के 5 नंबरनो, तो तमे एनी अंदर किंमत मूको एटले विद्यार्थी मित्रों शुं आवे जुओ, CnH2n+2। आमां 5 नंबर मूको तो शुं थई गयो C5, 5×2 = 10, 12। तो तमारे खाली एटलुं याद राखवानुं के आल्केन आवे ने, आल्केन एटले कार्बन करता डबल करता 2 वधु एटले आल्केन बनी जाए। आल्कीन आवे एटले के इथीन ने ए बधुं, तो जेटला कार्बन एनाथी डबल हाइड्रोजन। अने आल्काइन आवे तो जेटला कार्बन एना डबल करता 2 ओछा, जो 2 वधु +2 आ डबल थी +2 याद रखो, डबल करता +2। आ डबल होय अने आ डबल में -2 होय। तो तमे आ रीते इजीली बनाई सको छो। कार्बन जेटला मूको एना डबल करता 2 वधु, डबल अने डबल करता 2 ओछा, એટલે તમને ત્રણે ત્રણ इजीली याद रही जाए। पण अहींया आपणे आल्केनवाळा सूत्र श्रृंखलावाळा कहीए छे। हवे आपणे लईए श्राखीय श्रृंखलावाळा। तो आ जे 4 कार्बन छे सीधा विद्यार्थी मित्रों ब्यूटेन छे। आ तो ब्यूटेन नी अंदर 2 कार्बन आ रीते आवे, तीजो कार्बन उपर जतो रहे आ रीते, अने चौथो कार्बन अहींया नीचे आई जाए। तो आ थई गई तमारी श्राखीय श्रृंखला, जे आपणे पेन्टेन मां अने हेक्सेन मां पण आई शके। जोई लो, अहींया पेन्टेन छे, अहींया ब्यूटेन नी आ 1 2 3 4 आ ब्यूटेन छे सरल श्रृंखलावाळो, ज्यारे अहींया जे छे ब्यूटेन ए छे श्राखीय श्रृंखलावाळो, बराबर। आ रीते कार्बन आए अने पछी एनी जोड़े हाइड्रोजन आई जाए। हाइड्रोजन केवी रीते आवशे विद्यार्थी मित्रों, तो अहींया जोई लेवानुं, जो सिंगल बॉन्ड छे तो बाकीना 3 हाइड्रोजन, अहींया सिंगल बॉन्ड अहींया छे तो बाकीना 3 हाइड्रोजन। हवे अहींया 1 2 3 बंध बन्या तो 1 हाइड्रोजन आवशे, अहींया 1 बंध बन्यो तो बाकीना 3 हाइड्रोजन आवशे। जे खूटता होय हाइड्रोजन मूकी देवाना, बराबर। चलो हवे आपणे जोई लઈએ आपणो टॉपिक नंबर सी, चक्रीय संरचना वाला संयोजनों, बराबर। चलो, चक्रीय रचना वाला संयोजनों, जे हाइड्रोकार्बन संयोजनों में कार्बन परमाणु अंतिम कार्बन परमाणु साथे सीधो जोड़ायेलो होय, अर्थात वलय रचना धरावतो होय, तो तेवा संयोजनों ने वलय रचना वाला संयोजनों कहे छे। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों कार्बन वलय रचना धरावे छे, बराबर। बेन्जीन ने बधा आवशे एनी अंदर, टोल्यूइन ने तमे आगळ जशो 11 सायन्स 12 सायन्स में शीखशो। कार्बन नु माळखुं छे, बराबर। अने अहींया विद्यार्थी मित्रों ज्यां ज्यां देखाय त्यां तमारे आ 2 बंध बनेला होय तो बाकी जो 1 कार्बन अहींया 1 कार्बन अहींया तो 2 बच्याए हाइड्रोजन मूकी देवाना, अहींया पण 2 हाइड्रोजन मूकवाना, आ बधे 2 हाइड्रोजन मूकी देवाना, बरोबर। बाकी बधा 2 हाइड्रोजन लागी जशे। चलो आ संपूर्ण अणु आ रीते बनी जशे। तो आ थई गई तमारी वलय रचना। आई होप के तमने आ प्रश्न बहुत सारी रीते ख्याल आई गयो हशे। चलो हवे आपणे जोईए नेक्स्ट क्वेश्चन्स, એટલે કે પ્રશ્ન નંબર 19। પ્રશ્ન નંબર 19 છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, સાયક્લોહેક્ઝેન એટલે C6H12 નું ઇલેક્ટ્રોનિક બંધારણીય સૂત્ર જણાવો। હવે ઇલેક્ટ્રોન બિંદુ બંધારણ જણાવવાનું કીધું છે। ઇલેક્ટ્રોન બિંદુ કે ઇલેક્ટ્રોનિક બંધારણીય સૂત્ર કે બંનેનો મતલબ એક જ થશે, ધ્યાન રાખજો। તો તમારે શું કરવાનું, સાયક્લોહેક્ઝેન એટલે 6 કાર્બન પરમાણુ વાળો હોય એવો વલય તમારે બતાવવાનો છે। તો અહીંયા તમારે આ वलय बताई देवानो। अने ज्यां ज्यां सिंगल बॉन्ड बनाया था आपणे त्यां 2 इलेक्ट्रॉन मूकी देवाना। आ रीते जुओ, एटले आ कार्बनना 8 थई गया, आ कार्बनना बी 8 थई गया, आ रीते गोल सर्कल दोरी देवाना, हाइड्रोजनना सर्कल दोरी देवाना, बराबर। तो आ थई जशे तमारुं साइक्लोहेक्सेननुं इलेक्ट्रॉनिक सूत्र। चलो हवे जोईए आपणे प्रश्न नंबर 20, बेन्जीननुं इलेक्ट्रॉनिक सूत्र जणावो। तो बेन्जीन एटले विद्यार्थी मित्रों कार्बन कार्बन वच्चे 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 3 जग्याए तमारे डबल बॉन्ड लागशे, बराबर। तो जो अहींया कार्बन कार्बन वच्चे डबल बॉन्ड अहींया ना लागे, ध्यान राखजो। पछी एक छोड़ी अने अहींया डबल बॉन्ड आवशे, एक छोड़ीने अहींया डबल बॉन्ड आवशे। आ बेन्जीननुं सूत्र छे, आ तमारे याद राखવું પડશે। बेन्जीननुं થશે C6H6, बराबर। अहींया तमारे विद्यार्थी मित्रों બહારની સાઈડ હાઇડ્રોજન બતાવી દેવાના, એટલે તમારે યાદ રાખવું પડશે। બેન્જીનનું અણુસૂત્ર થશે C6H6। एक कार्बन छोडीने एक कार्बन वच्चे द्विबंध बताववानो रहेशे, बराबर। अने ज्यां ज्यां पछी तमने खबर छे के द्विबंध आवे त्यां केटला इलेक्ट्रॉन आवे, 4 इलेक्ट्रॉन आवे। सिंगल बॉन्ड आवे त्यां तमारे 2-2 इलेक्ट्रॉन आवे, बराबर। तो तमारे आ नंबर याद रखवानो। आ अणुसूत्र एवुं होय तो आ रियो बंधारणीय सूत्र पहेला लखी देवानुं अने त्यारबाद तमारे आ रियो इलेक्ट्रॉनिक सूत्र लखवानुं, बराबर। तो तमने इजीली ख्याल आई जशे। चलो हवे जोईए आपणे प्रश्न नंबर 21। विषम परमाणु एटले शुं उदाहरण आपो। तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक अथवा वधु हाइड्रोजननुं विस्थापन करता तत्वने विषम परमाणु कहेवामां आवे छे। विषम परमाणु द्वारा हाइड्रोजननुं विस्थापन थवा छतां श्रृंखला में कार्बननी संयोजकता संतोषायेली ज रहे छे। हवे आ केवी रीते बनतुं हशे तो हाइड्रोजन जईने एनी जग्याए क्लोरीन, ब्रोमीन, बराबर ए बधा लागता होय, हेलोजन तत्वो लागे, Cl, Br, I, क्लोरीन, ब्रोमीन अने हेलोजन तत्वो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर तत्वों, बराबर। आ बधा लागी जाए एनी साथे એટલે હાઇડ્રોજન જતો રહે ને એની જગ્યાએ આ તત્વો ઉમેરાઈ જશે, બરાબર। વિસ્થાપન રચના આપણે તમને ખ્યાલ હોય તો પેલું મોન્ટેબોસ વાળી શીખવાડતા હતા, બસ આ એ જ છે। ચલો હવે જોઈએ આપણે પ્રશ્ન નંબર 22। પ્રશ્ન નંબર 22 છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ક્રિયાશીલ સમૂહો એટલે શું ઉદાહરણ આપો। વ્યાખ્યા: વિષમ પરમાણુ અને તેમને સમાવતા સમૂહો કે જે સંયોજનો વિશિષ્ટ ગુણધર્મો આપે છે, जे कार्बन श्रृंखला की लंबाई और स्वभाव पर आधारित नहीं, तेमने क्रियाशील समूहों कहे छे। अथवा कार्बनिक संयोजनों की लाक्षणिकताओं, प्रक्रियाओं जे परमाणु के परमाणुना समूह द्वारा नक्की थाय छे, ते परमाणु अथवा परमाणुना समूह ने क्रियाशील समूहों कहे छे। एक ज क्रियाशील समूह धरावता जुदा जुदा कार्बनिक संयोजनों की रासायनिक प्रक्रियाओं समान होय छे। तो क्रियाशील समूह एक ज होय विद्यार्थी मित्रों, कीटोन, आल्कोहोल, बराबर। आ बधा तमारे क्रियाशील समूह आवशे जे तमारे समझवाना रहेशे। जुदा जुदा क्रियाशील समूह धरावता कार्बनिक संयोजनों ने रासायनिक प्रक्रियाओं अने गुणधर्मों जुदा जुदा होय छे। एटले एक आल्कोहोल होय ने एक कीटोन होय तो एना गुणधर्मों जुदा जुदा होय, पण जेटला बी कीटोन वाळा होय अने धारो के मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जेनी बी साथे लागतो होय, बधामां नहीं लागतो होय। मिथेन में तो बहु ज ओछा लोको प्रक्रिया करे कारण के एमां कार्बननी संख्या एक ज छे। तो जेटला बी वधारे कार्बन परमाणुओ साथे आ समूहो जोड़ाता होय, एमां धारो के ब्यूटेन साथे जोड़ायेलो छे, प्रोपेनोल, ब्यूटेनोल ए रीते तमारा होय तो ए बधाना गुणधर्मो लगभग लगभग समान होय। तो समूहनी मुक्त संयोजकता अथवा संयोजकता एकल रेखा डैश द्वारा दर्शाववामां आवे छे। क्रियाशील समूहना आ संयोजकता वडे एक अथवा वधु हाइड्रोजन परमाणुनुं विस्थापन करीने कार्बन श्रृंखला साथे जोड़ायेला रहे छे। तो क्रियाशील समूह आ संयोजकता वडे एक अथवा वधु हाइड्रोजन परमाणुनुं विस्थापन करे छे अने एनी साथे आ जोड़ाय छे। उदाहरण समजीशुं तो तमने इजीली ख्याल आवशे। चलो उदाहरण जोई लो विद्यार्थी मित्रों। कार्बन संयोजनों में केटलाक क्रियाशील समूहों विषम परमाणु Cl अने Br एटले के क्लोरीन अने ब्रोमीन, ऑक्सीजन छे, बराबर। अहींया आ एक लाइन तमारे आखी आडी जोवानी छे, हेलो क्लोरो ब्रोमो, बराबर। आ एना नाम लागशे, हेलोजन समूहना तत्वो छे। आ क्रियाशील समूहनुं सूत्र डैश Cl डैश Br एटले के हाइड्रोजननी जग्याए क्लोरीन लागी जाए अथवा ब्रोमीन लागी जाए, हाइड्रोजन परमाणुओ माटे विस्थापितो छे। आ बधा ए ज रीते बीजो समूह छे, एक आल्कोहोल छे जेमां OH लागशे, आल्डिहाइड छे जेमां C डबल बॉन्ड OH लागी जशे, कीटोन छे जेमां C डबल बॉन्ड O लागशे, बराबर। आ बधा समूहो छे विद्यार्थी मित्रों। अने त्यारबाद चौथो छे कार्बोक्सिलिक एसिड एटले C डबल OH लागशे तो ए कार्बोक्सिलिक एसिड लागे अने आ बधानी पाछळ प्रत्ययो बदलाई जशे, बराबर। आमां आल्कोहोल प्रत्यय लागे छे जेने आपणे दारू कहीए छे, बराबर। पछी आ बधामां जे रीते अलग अलग तमारा प्रत्ययो लागशे जे आपणे आगळ जता शीखीशुं। चलो हवे आपणे जोईए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 23 छे विद्यार्थी मित्रों, समानधर्मी श्रेणी एटले शुं, तेनी लाक्षणिकताओ जणावो। तो व्याख्या: कार्बनिक संयोजनों की एवी श्रेणी के जेमां कार्बन श्रृंखला रहेल हाइड्रोजन ने समान प्रकारना क्रियाशील समूह द्वारा विस्थापित करवामां आवेल होय, तेने समानधर्मी श्रेणी कहे छे। लाक्षणिकताओ जोई लईए आपणे। चलो विद्यार्थी मित्रों, लाक्षणिकताओ जोई लईए। हवे समानधर्मी श्रेणीना दरेक संयोजनोमां रहेला तत्वो अने क्रियाशील समूह समान होय छे। तो आ तमारे याद रखवानी के समानधर्मी जे श्रेणी होय, बराबर, एनी अंदर क्रियाशील समूह केवा होय, समान होय छे। चलो त्यारबाद श्रेणीना दरेक सभ्यने सामान्य आणवीय सूत्रोथी दर्शावी शकाय छे। सामान्य आणवीय सूत्र आपणे हमणां ऊपर एक जोयुं CnH2n+2a टाइपनुं, बराबर। જેમ કે આલ્કેન શ્રેણીના દરેક સભ્યને સૂત્ર CN H2n પ્લસ 2 દ્વારા આપણે દર્શાવ્યો હતો। એક ઉદાહરણ આપીને તમને અહીંયા બતાવ્યું। શ્રેણીના કોઈપણ બે ક્રમિક સભ્યોના આણ્વીય સૂત્રો વચ્ચે CH2 જેટલો તફાવત હોય છે, બરાબર। એટલે એક કાર્બન અને બે હાઇડ્રોજન વધતા જાય। શ્રેણીના કોઈપણ બે ક્રમિક સભ્યોના આણ્વીય દળમાં 14 યુનિટ બરાબર જેટલો તફાવત હોય છે। श्रेणीना दरेक सभ्यना नामकरण में समान पूर्वक अथवा प्रत्यय लगे। गणी पूर्वक एटले आगळ लागे विद्यार्थी मित्रों, ने प्रत्यय एटले पाछळ लागे। तमे गुजराती ग्रामर में कदाच शीख्या हशो, ना शीख्या होय तो मैं तमने कही दीधुं एटले ध्यान राखजो। या आगळ लागे या पाछळ लागे। जेम के आपणे आल्केन में एन लगावता हता, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। आल्किन में आपणे इन लगाईए छे, मीथीन इथीन प्रोपीन ब्यूटीन। ए रीते एमां मीथीन आवे नहीं, बरोबर। ए हुं भूलथी भूली गयो इथीन प्रोपीन ब्यूटीन, कारण के कार्बन कार्बन वच्चे डबल बॉन्ड होय, पण पेलामां मिथेनमां ओनली फॉर सिंगल कार्बन छे, तो एमां तो प्रश्न ज नथी, माटे ब्यूटीन थी स्टार्ट थशे एमां। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों पूर्वक अथवा प्रत्यय समान होय छे, बराबर। श्रेणीना दरेक सभ्यमां जो समान क्रियाशील समूह होय तो ते श्रेणीना दरेक सभ्यनी रासायणिक प्रक्रियाओ समान होय छे, एटले रासायणिक प्रक्रियाओ सेम रीते करे छे ए लोको। कोईपण समानधर्मी श्रेणी में जेम आणवीय दळ वधे तेम भौतिक गुणधर्मों में क्रम बदलता जोवा मळे छे, कारण के आणवीय दळ वधवाथी गलन बिंदु अने उत्कलन बिंदु वधे छे। अन्य भौतिक गुणधर्मों जेम के चोक्कस द्रावक में द्राव्यता पण समान क्रमबद्धता दर्शावे छे, परंतु रासायणिक गुणधर्मों में एक समान जळवाई रहे छे। तो आ थई गयो विद्यार्थी मित्रों तमारी लाक्षणिकताओ। चलो हवे आपणे जोईए प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 छे विद्यार्थी मित्रों, कार्बन संयोजनों नामकरण करवानी पद्धति टूंकमां समजावो। तो आपेल संयोजनों में कार्बन परमाणुनी संख्या नक्की करी संयोजनों आल्केन मूळ नाम नक्की करवामां आवे छे। जेम के 1 थी 5 नंबर आपेला छे, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेन्टेन, जे आपणे ऑलरेडी जोईने आया। हवे आगळ 6 7 8 9 10 जो अहींया 10 सुधी तमारा पूरा थई गया। हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नोनेन अने डीकेन, बराबर। तो आ तमारा 10 नंबर थी गया। आ बधामां एन प्रत्यय लागेलो छे अने आ बधा छे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एटले आल्केन श्रेणीना छे, बराबर। चलो हवे आपणे नीचे बीजा क्रियाशील समूहो जोईए। नीचेना कोष्टकमां दर्शाव्या प्रमाणे क्रियाशील समूहनी हाजरीना किस्सामां तेमने पूर्वक अथवा प्रत्यय सहित संयोजनोना नाम दर्शावाया छे, बराबर। क्रियाशील समूह एमां हेलोजन छे, एमां पूर्वक लागे क्लोरो ब्रोमो, बराबर। आ रीते पूर्वक लागे छे। जेम के अहींया आ जे क्लोरीन लाग्यो तो अहींया जुओ 1 2 અને 3 કાર્બन छे। 3 કાર્બનો એટલે પ્રોપોન પ્રોપેન હોય। પ્રોપેનની સાથે ક્લોરો લાગ્યો તો આપણે આને વાંચીશું ક્લોરોપ્રોપેન, બરાબર। આને પૂર્વક કહેવાય, આગળની બાજુ લાગ્યો, ઘણા પાછળની બાજુ લાગશે, એ પણ આની અંદર આવી જશે। ચલો એ જ રીતે બ્રોમેન લાગે તો એને બ્રોમોપ્રોપેન કહેવાય। હવે આપણે બીજો જોઈએ છે આલ્કોહોલ। आल्कोहोलनी अंदर ऑल लागशे, प्रत्यय एटले पाछळ लागशे, बराबर। तो प्रोपेननी पाछळ ऑल प्रत्यय लाग्यो एटले थई गयो प्रोपेनॉल। ब्यूटेननी पाछळ लागे तो ब्यूटेनॉल। पेन्टेननी पाछळ लागे तो पेन्टेनॉल, ए रीते आवशे, बराबर। तो OH समूह लागी जाय एटले आ थई जाय 3 कार्बन वाळो प्रोपेनॉल, बराबर। 4 कार्बन आवे तो ब्यूटेनॉल अने 5 कार्बन आवे तो पेन्टेनॉल। आई होप के तमने बहुत सारी रीते ख्याल आवतो हशे। त्यारबाद 3 नंबरनो जे क्रियाशील समूह छे आल्डिहाइड। आल्डिहाइड में आल प्रत्यय लागे, जेमां ऑल लाग्यो एमां आल लागे। तो प्रोपेननी पाछळ लागे एटले थई जाय प्रोपेनाल अने आनो समूह तमारे डबल बॉन्ड ओ लागे। अहींया बताव्युं नथी, अहींया हुं तमने कही दऊं। आमां OH लागे सिंगल बॉन्ड थी, ज्यारे आनी अंदर डबल बॉन्ड करीने ओ लगाई देवानो, बराबर। जो अहींया छे ने कार्बन, तो अहीं आपणे डबल बॉन्ड शुं लगाई दीधो, ओ लगाई दीधो, एटले आ थई गयो प्रोपेनाल, बराबर। चलो हवे आपणे आगळ जोईए कीटोन समूह। चलो कीटोन समूह जोईए विद्यार्थी मित्रों, एमां ऑन प्रत्यय लागशे, बराबर। आमां पण वच्चे डबल बॉन्ड ओ ज लागे छे, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, बराबर। आ रीते आ कीटोन समूह लागशे विद्यार्थी मित्रों, जेने आपणे कहीशुं प्रोपेनॉन। ऑन प्रत्यय लागशे, बराबर। पेलामां छेल्ले आपणे नाल प्रत्यय लागतो तो ज्यारे आमां ऑन प्रत्यय लागशे। त्यारबाद जे कार्बोक्सिलिक एसिड, आनुं सूत्र छे COOH COOH, बराबर। आ समूह लागी जशे। चलो अहींया जोई लो C पछी सिंगल बॉन्ड OH अने अहींया डबल बॉन्ड O, आ रीते लागे छे। एक ऑक्सिजन डबल बॉन्ड साथे ने एक ऑक्सिजन सिंगल बॉन्ड साथे। तो आ सी डबल ओ एच है बराबर, अने एमां ओइक एसिड एवो शब्द पाछळ लागे छे तो प्रोपेननी पाछळ लाग्यो एटले प्रोपेनोइक एसिड बनी गयो बराबर, अने सी डबल ओ एच समूह एनी अंदर जोड़ाई जशे। छठ्ठा नंबरनो छे विद्यार्थी मित्रों आल्किन, जे आपणे ऑलरेडी जोईने आव्या, एमां कोई वधारानुं वस्तु लगावतो नथी, खाली कार्बन कार्बन वच्चे डबल बॉन्ड लागशे, ज्यारे अहींया कार्बन कार्बन वच्चे ट्रिपल बॉन्ड थई जशे बराबर। तमारे खाली आटलुं ध्यान राखवानुं छे, कोईपण एक जगह लगावशो एटले आल्किन ज बनी जाए, ध्यान राखजो बधी जगह डबल बॉन्ड लगावानी जरूर नथी। अहींया कार्बन कार्बन वच्चे ट्रिपल बॉन्ड लागी गया बराबर, एटले प्रोपाइन थई गयो अने अहींया बे प्रोपीन थई गयो। ए ज रीते तमे ब्यूटेन साथे लगाईने ब्यूटीन ब्यूटाइन एवा उदाहरणों तमे आपी शको छो। जो अहींया विद्यार्थी मित्रों जो क्रियाशील समूहनुं नाम प्रत्ययना आधारे आपवामां आवे तो अने क्रियाशील समूहना प्रत्यय ए ई आई ओ यू जेवा स्वरथी शरू थता होय तो कार्बन श्रृंखलाना छेड़े ई दूर करीने तेमां योग्य प्रत्यय लगावीने नाम आपवामां आवे छे। कीटोन समूह धरावती त्रण कार्बननी श्रृंखलाओने नीचे रीते नाम आपवामां आवे छे। जेम के अहींया विद्यार्थी मित्रों जुओ, जो प्रोपेन है तो एनो ई दूर करीने प्रोपेन खाली राखो, ई काढी नाखो अने त्यारबाद एनी पाछळ ओ एन ई बराबर ऑन लगाई देवानो एटले आ थई जाए प्रोपेनोन। एटले एना स्पेलिंग नी अंदर आ विद्यार्थी मित्रों खास करीने ज्यारे पूछाय नहीं पण क्यांक पूछाई जाए तो तमारे आ लखवानो रहेशे। प्रोपेनोनना स्पेलिंग में ई काढी नाखवानो, ध्यान राखजो। प्रोपेननो स्पेलिंग आ छे तो प्रोपेनोननो स्पेलिंग में ओ एन ई लागशे। चलो ए ज रीते हजू आपणे एक बीजू उदाहरण जोई लईए। बीजा उदाहरणमां छे विद्यार्थी मित्रों जो कार्बन श्रृंखला असंतृप्त होय एटले के कार्बन श्रृंखलाना नामना अंते एन नी जग्याए आपणे इन अने आइन द्वारा विस्थापित करवामां आवे छे। द्विबंध धरावती त्रण कार्बनिक श्रृंखलाओ प्रोपीन कहेवाय छे। जो त्रिबंध धरावती होय एने प्रोपाइन, ए आपणे ऑलरेडी शीखीने ज आव्या छे के आने प्रोपीन कहेवाय ने आने प्रोपाइन कहेवाय, ट्रिपल बॉन्ड लागे एटले बराबर। આની અંદર બહુ ડીપમાં જવાની જરૂર નથી। ચલો હવે આપણે જોઈએ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન। આ ટોપિકનો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણો આ છેલ્લો ક્વેશ્ચન છે, 25મો પ્રશ્ન। બંધારણીય સમઘટકો એટલે શું? ઉદાહરણ આપો। તો જે સંયોજનોના આણ્વીય સૂત્રો સમાન હોય પરંતુ બંધારણીય સૂત્રો જુદા જુદા હોય એટલે અંશુ આણ્વીય સૂત્ર બરાબર સરખું હોય પણ બંશુ જુદું જુદું હોય એટલે બંધારણીય સૂત્ર જુદા જુદા હોય तेवा संयोजनों ने बंधारणीय समघटको कहेवामां आवे छे। जेम के ब्यूटेन C4H10 बराबर आ एनु सूत्र छे ब्यूटेननु। तो अहींया तमे जोशो तो 4 कार्बन छे अने 10 हाइड्रोजन आसपास लगायेला छे, ज्यारे अहींया तमे जुओ तो अहींया 3 कार्बन छे अने चौथो कार्बन आ रीते नीचे लगायेलो छे। जुओ बराबर, तो अहींया पण 4 कार्बन थया एटले एनु नाम तो ब्यूटेन ज बने, पण टूंकमां आ छे ने सरळ श्रृंखला धरावे छे ने आ शाखित श्रृंखला धरावे छे। तमने एमां पण आ उदाहरण काममां आवे अने अहींया पण काममां आवे। तो आ थई गयुं एनुं तमारुं आणवीय सूत्र, आणवीय सूत्र अने आ बंने थई गया तमारा बंधारणीय सूत्र, जे अलग अलग होई शके बराबर। तो आ बधाने कहेवाय समघटको बराबर, समघटको। तो अहींया विद्यार्थी मित्रों आपणो प्रश्न नंबर 25 पूरो थयो। आई होप के आजे चलावेला बधा ज प्रश्नो तमने बहुत सारी रीते समजाई गया हशे अने आजनो विडियो तमने खूब सारो लाग्यो हशे। तो जो विद्यार्थी मित्रों तमने मारा विडियो पसंद आवता होय तो बीजा विद्यार्थी मित्रों ने जॉइन थवानुं कहो, एकला एकला ना शीखो। बीजा विद्यार्थी मित्रों ने पण कहो के आ विडियो सारा होय छे अने ए लोकोने आपणा पे प्लाननी अंदर जॉइन थवा माटे कही शको छो। तमे एकवार तमारा मोबाइलमां एमने विडियो बतावो बराबर के जो आ रीते होय छे, आ भाग खास बतावजो एटले एमने ख्याल आवे के नहीं सर शीखवाडे छे, मेहनतना पैसा ले छे, हरामना नथी लेता बराबर। चलो तो हवे विद्यार्थी मित्रों आपणे नवा विडियोनी अंदर मळीशुं, नवा टॉपिक अने नवा ध्येय साथे आगळ वधीशुं। जय हिंद, जय भारत।